हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग नहीं बोलूँगा अभी, तो गुड आफ्टरनून हो गया है। ठीक है, फिर से एक नया ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। BSNL 4G का काम के लिए जो काम कर रहा था, फिर आया हूँ आज और एक वाटरफॉल देखने के लिए। गंदी हाथी ना इसका नाम, गंडा हाथी वाटरफॉल। सामने बढ़ते हैं और दिखाता है कैसा वाटरफॉल है और प्रकृति की नज़ारे, क्या बताओ कितने अच्छे। और एक चीज़ दिखाऊंगा लास्ट में, वीडियो के साथ जुड़े रहना, वो है काजू के फल। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ओके भाई, ये देखो नज़ारे। ठीक है, जाने की रास्ता ऐसा है, अभी ऊपर चढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, कितना दूर है? बाहर लोगों के घुसने के लिए भी पैसा देना पड़ता है भाई। ये वाला वाटरफॉल में ये देखो, पर्ची कटवा दिया हमारा, पर्ची बाद में दिखाता हूँ। चलो पहले सामने बोल रहा है व्हीकल पार्किंग, इधर है व्हीकल पार्किंग, हम लोग नहीं करेंगे। चलो सामने, देगा नहीं दादा। बाइक का पार्किंग इधर है, इसका पर्ची काट दिया इन्होंने। ठीक है, इसके लिए तो अच्छा वाला एक पार्क बना दिया है इन लोगों ने। यह एंट्रेंस, उड़िया में क्या लिखा हुआ है मालूम नहीं भाई। ठीक है, अच्छा डेवलप कर दिया बहुत जगह को ये लोग। वाटरफॉल कितना दूर है मालूम नहीं, लेकिन बहुत अच्छा से व्यवस्था कर दिया है इन लोगों ने। उसके बाद तो कोई गाड़ी नहीं है, अब पैदल जाना वाला है। पैदल जाने वाली रास्ता ठीक ठाक है, पानी की थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन कैसा है दिखाता हूँ। चलो तो गर्मी का सीजन है, ये चिल्ड्रन पार्क है छोटा सा, ये गिर रहा है हल्का सा पानी। क्या ये है गंडा हाथी वाटरफॉल, बरसात में इसका हालत डेंजरस होता होगा। ये है आपका गंदा हाथी। हम तो सोच कर आए थे भाई बहुत बड़ा है, बहुत पानी गिर रहा होगा, लेकिन मुर्गी बन गए हैं हम। ठीक है ना, इन बरसात में पूरा जब गिरता होगा तब अलग ही नज़रिया होगा इसका। वीडियो देखोगे बरसात के तो बहुत पानी आ रहा होगा,
अभी तो हल्का ऐसा पानी गिर रहा है भाई, लेकिन नीचे का पानी बहुत गंदा है, लोग शायद बहुत नहा रहे होंगे। हताश होना पड़ा भाई, हताश। पीछे ऐसे धारा बहती हुई, बरसात में आना चाहिए था इधर। पूरा नज़ारे ये है, पानी गिर रहा है लेकिन ज़्यादा नहीं, बरसात में काफ़ी ज़्यादा होगा। आएंगे और देखेंगे इस वाटरफॉल का पानी किधर से आ रहा है, वो हमें देखना है, तो उसी के तलाश में जा रहा हूँ। रास्ता है, चढ़ता हूँ और दिखाता हूँ, चलो। उठते पार्बे तो वो की जाने, चलो वो किच्छू ना, चलो 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 चलो, किच्छू ना है बोला, जूता स्लिप कर गया। होता है कौन दिख दिए जाते हैं, और रास्ता वो दिख दिए, उधर से, उधर से बाबू, हाँ इधर से आओ। ये वाला लोग जाते हैं इधर से, यहाँ से व्यू देखो, एक्चुअली पानी इधर से आ रहा है, दिखाता हूँ आपको। बैठा दिए, पानी इधर से आ रही है, आके इधर से इस चट्टान में टकरा रही है, यहाँ से और गिर रही है। एक कॉन्क्रीट की दीवार बना दिया है इन्होंने, पहले तो ये और भी ज़ोर से शायद गिरता था, लेकिन ऐसा बना दिया है। अब बहुत लोग नहा भी रहे हैं, चलो ऊपर जाकर देखते हैं एक बार, और भी ऊपर।
ये देखो भाई है। ये पानी सभी इधर से पानी आ रहा है। से पानी आके ऐसे करके ये यहाँ से पूरा निकल जाएगा, इधर से पूरा नीचे जा रहा है। व्यू इस तरीके से है, पहाड़ चारों तरफ। चलो आप उधर चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ का पानी का जोर इधर से है, हाँ इधर से आ रहा है भाई। ये पानी इधर से, वो देखो इधर से आ रहा है। चलो जितना दूर हो सके लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ। ये इधर से पानी एक्चुअली इधर से आती है। मछली भी है बहुत, अरे साला मछली है, इस पानी में भी मछली है। इधर से आ रही है भाई पानी। लोगों ने चारों तरफ गंदगी करके रखा हुआ है जो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। गंदा गंदा करके रखा हुआ है चारों तरफ। इसके आगे तो नहीं जा सकते, शायद जा भी सकते हैं तो जूता उतर के जाना पड़ेगा। ये इधर से जाके उधर गिर रहा है भाई। चलो आ गया हूँ तो थोड़ा सा सामने चलता हूँ। ये है पत्थर, पानी इधर से आ रही है और सामने जाके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये गंदगी मचा हुआ है चारों तरफ। ये देखो मेरे पास, यहाँ से पानी गिर रही आ रही है। और भी आगे जा सकता था और आगे नहीं जाऊँगा, इसके बाद से जंगल है और बहुत छोटे छोटे मछलियाँ बहुत है। दिखाने की कोशिश करता हूँ लेकिन छोटे छोटे मछलियाँ बहुत है इसके अंदर। पत्थर बिल्कुल गर्म है और ये देखो आ रहा है पानी इधर से। ये गिरती हुई पानी सब ठंडा है लेकिन काफ़ी ठंडा है। इतना पहाड़ के ऊपर कहाँ से पानी आ रहा है यही सोच नहीं पा रहा हूँ। तो चलो पत्थर बहुत गर्म हो गया है। तो भाई वीडियो कैसा लगा बोलना। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, कमेंट्स में बताना ऐसा वाटरफॉल और देखना चाहते हो कि नहीं। ये देखो ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर कर देना और प्लीज़ सपोर्ट करो मेरे को। इतना गर्मी में इतना अच्छा अच्छा जगह दिखा रहा हूँ, कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उसके लिए तो पैसा नहीं लगता है, मेरे आने वाला वीडियो जो भी होगा आप देख पाओगे। ठीक है ओके, चलो टाटा बाय बाय। और जाते हुए काजू का पेड़ जरूर दिखाऊंगा, कैसे काजू पका हुआ है सब जगह पर, लेकिन यहाँ पे किसानों को उसका दाम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। ठीक है हम लोग तो खरीदते हैं कम से कम 800-900, लेकिन ये लोग बात किया तो बोलते हैं सिर्फ 100 रुपया किलो में ही वो बेच देते हैं। फिर जाके जो भी प्रोसेसिंग होता है वो दूसरे लोग करते हैं। ओके टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे। ये देखिए अपना ब्लॉगर, हाँ ये देखिए अपना ब्लॉगर रंजीत जा रहा है नहाने के लिए।
उसको बोला कि शर्ट पैंट थोड़ा उतार के जाओ, बोला नहीं ऐसे नहाऊंगा, इतना गर्मी है कैसे ही सूख जाएगा। देखिए वो जा रहा है, ये फॉल्स तो बरसात में लग रहा है बहुत भरा होगा, ये बहुत कम पानी है। जैसे आप लोग देखे हो कि हम लोग ऊपर से आए हैं। हाँ कह लो ओट ना तुई बोल रहे बहुत स्वीट है। वो स्लीपानी वो देखो चढ़ गया, वो बोल रहा है मेरा थोड़ा एज हो गया, मैं नहीं चढ़ पाऊँगा, मालूम नहीं मैं भी जाऊँगा। तो अपना आराम से बैठ गया। देखिए थोड़ा मैं जूम कर रहा हूँ, वो नहा रहा है। देखो पीछे ये ऊपर से गिर रहा है थोड़ा सा पानी, ठीक है ना। अभी नहाने का वीडियो इधर से शूट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखो ज़्यादा सामने जाओगे तो मेरा कैमरा भीग जाएगा भाई, इधर तक ही ठीक है। फिर से वही एक बात, वीडियो अगर अच्छा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, ठीक है। ओके टाटा बाय। तो फ्रेंड्स जैसे बात हुई थी काजू दिखाऊंगा, पहले आपको दिखाता हूँ कच्चा वाला जो बिल्कुल कच्चा है और पका भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद दिखा रहा है मेरा जूता खुल गया यार, पहले दिखाऊंगा बिल्कुल कच्चा वाला, उसके बाद दिखाऊंगा थोड़ा सा येलो कलर का जो अभी थोड़ा सा पका हुआ है, और लास्ट में दिखाऊंगा ना पके हुए, ठीक है। तो चलो दिखा, तो पहले दिखाऊंगा बिल्कुल कच्चा वाला, ये देखो ये है बिल्कुल कच्चा वाला, ठीक है। इसके फूल भी है बिल्कुल कच्चा है, ठीक है, ये कच्चा है ये भी। अब उसके बाद इसका इस तरीके के फल आती है, इस तरीके के फल आती है, ये फल आ गया ऊपर, उसके बाद ये हो जाता है इस तरीके की, इतना बड़ा, ये देखो इतना बड़ा सा हो जाती है, ये देखो इतनी बड़ा सी हो जाती है, और लास्ट में हो जाती है इस तरह रेड बिल्कुल। इसको थोड़ा नीचा करके दिखाता हूँ, ये देखो बिल्कुल ऐसा रेड, ठीक है। और भी ये पूरा इलाका काजू से भरी हुई है, मैं और भी दिखाता हूँ, रेड कलर का बहुत सारी है जो बिल्कुल पक गया है, और यहाँ पे जो है ना सब अभी पकड़ा है, और नीचे देखो कितना गिरा हुआ है, नीचे गिरा हुआ है, देख पा रहे हैं, ये देखो नीचे गिरा हुआ है अभी, और रेड कलर रेड वाला काजू अब ये पक गया है, नीचे बहुत पड़ी हुई है, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये और एक देखो। एक्चुअली इस फल की मैं दिखाता हूँ, एक्चुअली इस फल की ये ऊपर वाला हिस्सा नहीं खाया जाता है, नीचे ये नीचे वाला में काजू लगा हुआ है, ये काजू नीचे वाला में, नीचे का ये काजू है, ऊपर का फल कोई काम का नहीं, ठीक है। ये देखो कितने सारे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये पूरा ही काजू के खेत है, ठीक है। ये देखो कितने सारे पके हुए, ये देखा